अभिनेता से नेता बने निरहुआ इतने निष्ठुर निकलेंगे, आजमगढ़ वालों को इसका इल्म न था। जिन लोगों ने वोट दिया, सांसदी का तमगा दिया, निरहुआ ने एक पल में उन्हें भूमि माफिया बता दिया। बीजेपी सांसद के बयान से आजमगढ़ की सियासत में बरपा है हंगामा। सपा समेत आम आवाम निरहुआ के खिलाफ मोर्चेबंदी में लगी। आजमगढ़ की आवाम का निरहुआ ने कर दिया तिरस्कार, कह दिया कुछ ऐसा कि लोग बोले चुनाव आने दो, सबक सिखा देंगे। सत्ता में आने से पहले जो आंखों में पानी लेकर और हाथ जोड़कर जनता के बीच वोट की गुहार लगा रहा था, उसे लोगों ने जितवा दिया तो वो आंखें तरेर रहा है और जिनका वोट लिया उन्हें ही माफिया बता रहा है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी स्टार और अभिनेता से नेता बने निरहुआ की। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर कमल की कृपा क्या हुई कि उनके तेवर ही बदल गए और देवतुल्य जिस जनता को कहते थे आज उसे चोर साबित करने में लगे हैं। आजमगढ़ सांसद ने कुछ ऐसा कह दिया कि सियासी हंगामा बरपा है और लोग खुन्नस में बोल रहे हैं कि चुनाव आने दीजिए, हिसाब हम खुद कर लेंगे। बताएंगे कि निरहुआ ने ऐसा क्या कहा जो लोग नाराज हो गए, लेकिन पहले आप बताएं कि नरम दिखने वाले निरहुआ के तेवर सांसद बनते ही क्या वाकई गर्म हो गए हैं? क्या निरहुआ का स्टाइल अब वाकई असली नेता जैसा हो गया है? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल आजमगढ़ एयरपोर्ट बनाए जाने के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे लोगों ने जब खिरियाबाग जमुआ से जमीन मकान बचाने के लिए पदयात्रा निकाली तो पदयात्रा जिगिया करमनपुर हसनपुर कादीपुर हरकेश होते हुए खिरिया की बाग आई। महिलाओं पुरुषों ने नारे लिखी तख्तियां लेकर पदयात्रा निकाली। विकास के नाम पर गांव की जमीन मकान छीनने वालों वापस जाओ, जमीन हमारी आपकी नहीं, किसी के बाप की नहीं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, जैसे नारे लगाए। और जब ये बात नए नए माननीय बने निरहुआ ने सुनी तो उन्हें चुभ गई और निरहुआ ने उन्हीं लोगों को चोर बता दिया और कहा कि जो लोग एयरपोर्ट का विरोध कर रहे हैं दरअसल वो जमीन हड़पने वाले हैं, जिसे आंदोलनकारी आम आवाम और विरोधी दलों के नेता अशोभनीय और अपमानजनक बता रहे हैं। अपनी जमीन के लिए धरना दे रहे किसानों ने बीजेपी नेता पर राजनीति करने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि बीजेपी नेता हमारी बात से ज्यादा राजनीति और पार्टी की बात कर रहे हैं। आज हम 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं और इतने दिनों बाद बीजेपी का कोई नेता आया है तो वो हमको ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोगों ने कहा हम जमीन नहीं देंगे और हमें एयरपोर्ट भी नहीं चाहिए। मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी एयरपोर्ट बनाने के लिए लगातार किसानों पर जमीन देने के लिए जोर डाल रही है। वहीं किसान दिनेश लाल के बयान पर खफा दिखाई दे रहे हैं। देखना यह है कि अब सांसद के बयान से उठे विवाद पर विराम लगता है या फिर किसानों की मांग को सुनते हुए सरकार एयरपोर्ट के निर्माण पर विराम लगाती है। जीत किसकी होगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।